हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो MNNIT की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और उसके साथ और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आप लोग को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार, तक हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 15 फरवरी 2023। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यही पे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी 9,300 से लेके 34,800 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप लोगों को सेम CTC मिल जाएगी। इसमें भी अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग को मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल, प्रोडक्शन और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग सिविल, मैकेनिकल, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, टूल्स, टूल डिजाइन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डायनामिक्स, कंट्रोल्स एंड वाइब्रेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल और मेराइन इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और ग्रीनवेयर टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग MCA किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जीआईएस सेल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो भी इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एमसीए की हो तो भी इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो भी स्किल एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर सेंटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 4 के हिसाब से यानी कि 25,500 से लेके 81,100 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 50,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 इयर्स तक रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी डिसिप्लिन में इसके पहले डिस्कस किया हो, अगर आप लोग उसी डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसके पहले जो भी डिसिप्लिन में डिस्कस किया हो, अगर आप लोग उसी डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 3 के हिसाब से यानी कि 21,700 से लेके 69,100 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स तक रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी डिसिप्लिन में इसके पहले डिस्कस किया हो, अगर आप लोग उसी डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट में अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग इनिशियली 1 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और 1 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा रिटेन टेस्ट। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट या तो स्किल टेस्ट। और अगर आप लोग इस तीनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है। अगर आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को नोटिस के थ्रू पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना है। उसका हार्ड कॉपी आप लोगों को कहीं पे सेंड नहीं करना है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 15 फरवरी 2023। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आई डी पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो जिसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आप लोग को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपकी मेल आई डी यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका नेम फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद आई हैव चेक्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को एक्टिवेट योर अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक जाएगी जिसमें आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप लोग का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लोग को एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आप लोग को सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। पासवर्ड आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर उतरना। आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।